लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले की बात है देश का माहौल बदलने लगा था गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके थे यूपीए टू सरकार खासकर कांग्रेस की हवा दूसरी तरफ बहने लगी थी देश को एक नया नेता मिलने वाला था कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे इस बीच करोड़ों की सैलरी पर काम करने वाला एक मुस्लिम इन्वेस्टमेंट बैंकर जिसने बचपन से राजनीति में जाने के सपने पाले थे 2012 से ही राजनीति में अपने आने के बारे में सोचने लगा था उसकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई उसके ही शब्दों में मोदी गर्म जोशी से मुझसे मिले पूछा कि राष्ट्र निर्माण के सपने के साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो लेकिन अगर टिकट पाने के लिए पार्टी में आना चाहते हो तो मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं और इस तरह सैयद जफर इस्लाम नरेंद्र मोदी के कहने पर बीजेपी के हो गए वही जफर इस्लाम जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं टीवी पर बीजेपी का पक्ष रखते दिखते हैं लेकिन उनकी सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि इसके पीछे जफर इस्लाम की कोशिशें हैं जफ़र अब एक बार फिर से खबरों में हैं उन्हें बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा भेजा गया है उत्तर प्रदेश से बीजेपी के एकमात्र मुस्लिम सांसद बीजेपी का उभरता मुस्लिम चेहरा लेकिन बैंकर से नेता बने जफर इस्लाम की कहानी क्या इतनी सीधी है कहने वाले कहते हैं कि बीजेपी में शामिल होने से पहले जफर इस्लाम ने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया राहुल गांधी की बैक रूम टीम में थे कहने वाले तो ये भी आरोप लगाते हैं कि वो पार्टी में पद चाहते थे लेकिन नहीं मिला तो बीजेपी में चले गए लेकिन जफर इस्लाम इस बात से इनकार करते हैं उन्होंने दिलल्लन टॉप से बातचीत में कहा 2012 से राजनीति में आने की सोचने लगा था हालांकि उस समय मैं अपने करियर के पीक पर था राजनीति मेरा पैशन है लोगों को लगना चाहिए कि जो मेरा पैशन है जिसके लिए मैं इच्छुक हूँ उसके लिए मैं बलिदान दे सकता हूँ इसलिए जॉब से रिज़ाइन करने के बाद राजनीति की तरफ बढ़ा जब मैंने जॉब छोड़ी मैनेजिंग डायरेक्टर था करोड़ों की सैलरी थी वो आगे बताते हैं ये सच है कि मैं कई पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से मिला था कांग्रेस से भी मिला कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से मिला लेकिन कभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ फॉर्म नहीं भरा इच्छा भी जाहिर नहीं की बैंक में रहते हुए दो महीने की छुट्टी लेकर कांग्रेस के वॉर रूम में काम किया था वहाँ इंटर्नशिप के लिए मैं बस ये देखना चाहता था कि एक पॉलिटिकल पार्टी का वॉर रूम कैसे काम करता है ये 2013 मई जून की बात है सितंबर 2013 में मैंने रिज़ाइन किया उसके बाद बीजेपी में शामिल हुआ जफर इस्लाम का मानना है कि मुस्लिम समाज का जो क्रीम तबका है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें से बहुत से लोग कांग्रेस में जाते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ठीक उल्टा होता है बीजेपी में आने वाले मुस्लिमों को सिर्फ बस से मतलब होता है एजुकेशनल बैकग्राउंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं होता एक मुस्लिम होने के नाते उनकी इच्छा होती है कि बीजेपी में आएंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा जफ़र इस्लाम का कहना है कि मेरा नज़रिया बिल्कुल अलग था मुझे इसलिए कुछ नहीं चाहिए था कि मैं मुसलमान हूँ मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं कांग्रेस में जाऊँ कांग्रेस उस समय सत्ता में थी हालांकि करोड़ों रुपए की जॉब छोड़कर राजनीति में आने से वे नाराज थे कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के मन में बीजेपी को लेकर एक डर पैदा कर दिया था लेकिन मैंने घर वालों को समझाया जफर बताते हैं कि उनके एक अच्छे दोस्त थे अभिनेता नीरज बोरा जो कि अब इस दुनिया में नहीं है परेश रावल और उनमें दोस्ती थी उनकी जान पहचान प्रधानमंत्री से थी ऐसे में इस्लाम ने उनसे बीजेपी में जाने की इच्छा जताई बीजेपी को लेटर लिखने के बाद सुषमा स्वराज ने जफ़र को पार्लियामेंट हाउस बुलाया यही पहली मुलाकात हुई फिर मोदी से मुलाकात हुई जफ़र के शब्दों में ये 2013 की बात है उस समय पीएम मोदी ने कहा कि अगर आप टिकट चाह रहे हैं इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ जो लोग टिकट के लिए आते हैं मैं उनसे नहीं मिलता हूँ साफ़ शब्दों में कही गई पीएम की बात को मैंने अच्छा माना उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें मैंने कहा कि मैं बैंक छोड़ कर आया हूँ मुझे कोई ऐसा काम मिले जो मैं कर पाऊँ उन्होंने कहा था कि आपको काम करने का ज़रूर मौका मिलेगा इसके बाद मैंने पार्टी ज्वाइन की इस्लाम का कहना है कि बीजेपी में आने के बाद उन्हें कभी ये महसूस नहीं होने दिया गया कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं उनकी क्षमता के हिसाब से बराबर मौके मिले बीजेपी की इंटरनल मीटिंग्स पर बैठाया गया जहां वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे मौके दिए गए एक साल के अंदर राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया उनका दावा है कि वो अकेले ऐसे प्रवक्ता हैं जिसे इकॉनमी और पॉलिटिक्स दोनों मसलों पर जिम्मेदारी मिली है अपने प्रवक्ता बनने के बारे में ज़फ़र बताते हैं कि अमित शाह ने जब कहा था कि मैं आपको प्रवक्ता बना रहा हूं तो मैं नर्वस हो गया अपने बैंकिंग करियर में मैंने बहुत कम मीडिया का सामना किया था वहां सेट पैटर्न में जवाब देना होता था लेकिन किसी पार्टी के लिए टीवी पर डिबेट करना मुश्किल होता है इसलिए मुझे लगा कि मैं राइट पर्सन नहीं हूँ मैंने बताया कि मैं प्रवक्ता बनने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ फिर अमित शाह ने कहा था कोई माँ के पेट से सीख नहीं आता जफर भाई उन्होंने पार्टी के कई बड़े नेताओं का नाम लिया कहा कि आप मीडिया में उनका पहला इंटरव्यू देखिए और आज का इंटरव्यू देखिए उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा आप दो चार बार गलती ज़रूर करेंगे लेकिन आप सीख जाएंगे उस कॉन्फिडेंस के बाद मैं पहली बार टीवी पर गया मेरे सामने संजय झा थे मैं बहुत नर्वस था संजय झा के सामने मैं परफॉर्म नहीं कर पाया लेकिन एक महीने के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया खैर जफर इस्लाम का जिक्र हो और सिंधिया की बात ना हो तो अधूरा सा लगता है दस मार्च दो होली वाले दिन सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया मीडिया में खबरें चली कि सिंधिया को अमित शाह से मिलवाने और पीएम मोदी तक पहुंचाने वाले नेता कोई और नहीं बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम हैं। जब उन्हें राज्यसभा का टिकट मिला तो एक बार फिर कहा गया कि ये सिंधिया को बीजेपी में लाने का इनाम है इस बारे में जफर इस्लाम का कहना है सिंधिया जी हमारे परिचित हैं लेकिन ये कहना कि उन्हें बीजेपी में मैं लेकर आया सही नहीं है मोदी से प्रेरित होकर उन्होंने अपना मन बनाया सिंधिया अमित शाह से भी प्रभावित थे उनके काम करने के तरीके से प्रभावित थे हाँ एक कार्यकर्ता के तौर पर मैंने अपना रोल अदा किया लेकिन कितना किया इस बारे में बात करना सही नहीं होगा जफर इस्लाम का जन्म झारखंड के हज़ारीबाग में हुआ दादा उत्तर प्रदेश के बलिया से थे सिविल सर्जन थे लेकिन बलिया छोड़कर हज़ारीबाग में बस गए नाना बिहार पुलिस में दरोगा थे इस्लाम स्कूल कॉलेज में क्रिकेट में बहुत एक्टिव थे वो बताते हैं कि क्रिकेट की वजह से ही लोग उन्हें जानते थे बारहवीं तक की पढ़ाई हज़ारीबाग से की हायर एजुकेशन के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गए फिर आई अहमदाबाद से पढ़ाई की इसके बाद बैंक जॉब में करने लगे इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर जफर इस्लाम मानते हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो डिज़र्विंग को मौका देती है कौन क्या है ये मायने नहीं रखता ये पूछने पर कि आप यूपी बीजेपी से एकमात्र मुस्लिम सांसद हैं कैसा लगता है ये सोचकर उनका कहना था कि वो मुस्लिम होने के नाते नहीं पहचाना जाना चाहते लेकिन मुस्लिम समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं राजनीति में आए जफर इस्लाम को सिर्फ छह साल हुए हैं एक नेता के तौर पर राज्यसभा सांसद के रूप में उनकी शुरुआत हुई है उन्हें बीजेपी के उभरते मुस्लिम चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा है आपका जफर के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी डेविड ने देखते रहिए डीलर लन टॉप शुक्रिया खास जड़ी बुकियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों आज ही ले पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती पेट सफा हर रोग दफा।